हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स विथ लव। आज हम बनाएंगे वेज बिरयानी और यकीन मानिए किसी भी हांडी वाली बिरयानी से कम नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये पतीले में बनाया है नॉर्मल तरीके से या हांडी में। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हम बनाएंगे, तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक पतीले में पानी ली हूँ और उसमें एक चम्मच जीरा और दो तेजपत्ता डाल दूँगी। पानी जब तक गर्म हो रहा है मैं यहाँ चावल ले रही हूँ। 200 ग्राम चावल है ये, इसे मैं धो के रख लूँगी और जब पानी उबलने लगेगा तब पानी में इसे मैं डाल दूँगी। चावल डालने के बाद इसे एक बार चला लेना है ताकि चावल तले में चिपके नहीं, और मीडियम फ्लेम में इसे पकने देंगे। इसे पूरा नहीं पकाएंगे क्योंकि इसे हमें भिजिस के साथ भी फिर से पकाना है, इसीलिए हम इसे करीब 80% पकाएंगे। 10 से 15 मिनट में चावल जो है 80% करीब पक गया है। इसे अब हम छान लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, ताकि चावल जो है ओवर कुक ना हो जाए। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें 2 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और 1 बड़ा प्याज डालेंगे फ्राई होने के लिए। इसे लो फ्लेम में हम फ्राई करेंगे। अब जब तक ये फ्राई हो रहा है हम भेजिस को मैरिनेट कर लेंगे। इसे ज़्यादा देर मैरिनेट करने का ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट काफ़ी रहेगा। एक बाउल में हम अब सारे भेजिस डाल देंगे। मैं यहाँ पे गोभी, आलू, गाजर और कैप्सिकम ली हूँ। पनीर को मैं बाद में डालूंगी। मैरिनेशन के टाइम पे अगर पनीर डाल देंगे तो पनीर टूटने का चांस रहता है, इसलिए हम इसे बाद में डालेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता। पुदीना और धनिया पत्ता जो है कंपलसरी है, इसके बिना बिरयानी का जो टेस्ट है नहीं आएगा। अब इसमें हम दही डालेंगे करीब 1/4 कप और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और मिर्ची पाउडर भी 1/2 चम्मच, और भेजिस के हिसाब से नमक डालेंगे और 2 हरी मिर्च डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट होने देंगे करीब 5 मिनट के लिए। अब हम प्याज के पास आते हैं। प्याज देखिए कैसे फ्राई हो रहा है। लो फ्लेम में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम फिर से वही पैन चढ़ाएंगे। अब उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और काजू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। काजू को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है और इसे अब हम कटोरी में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम डालेंगे मसाला। सबसे पहले मैं यहाँ डालूंगी 3 काली मिर्च, 3 लौंग, 2 हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार फूल, 1 बड़ी इलायची और 1 चम्मच शाही जीरा और 1 तेज़पत्ता। अब इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि मसाला का जो फ्लेवर है ऑयल में अच्छे से रिलीज हो जाए। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ सारा भेजिस डालेंगे। भेजिस को जो है एक बार चला लेंगे और इसका ढक्कन लगा के लो फ्लेम में पकने देंगे। अब ढक्कन खोल के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे करीब 1 चम्मच और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम में पकने देंगे करीब 2 मिनट के लिए। भेजिस को भी पूरा नहीं पकाएंगे, इसे भी करीब 80% तक ही पकाएंगे। भेजिस जो है 80% पक गया है। अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे और मसालों के साथ इसे करीब 1 मिनट पकने देंगे। अब ये हो गया है। अब हम भेजिस को एक पतीले में डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। भेजिस के साथ थोड़ा सा ग्रेवी है, इसीलिए इसे पकाने से नीचे नहीं चिपकेगा और भेजिस जो है जलेगा नहीं। इसे अच्छे से फैला दिए। अब इसके ऊपर हम चावल डालेंगे और इसे भी अच्छे से हम फैला देंगे। चावल को हम अच्छे से फैला दिए। अब इसके ऊपर हम चावल के हिसाब से नमक डालेंगे। इसको भी धीरे धीरे करके हम नमक को फैला देंगे। अब जो हम प्याज फ्राई करके रखे थे ना, उसको अब इसी के ऊपर फैला देंगे। भुना हुआ प्याज भी बिरयानी बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको कभी स्किप मत कीजिएगा। अब थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता इसके ऊपर डालेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और काजू जो फ्राई करके रखे थे उसको भी इसके ऊपर डाल देंगे, इससे बिरयानी में थोड़ा सा नटी फ्लेवर आएगा। मैं थोड़ा सा दूध में पहले से केसर डाल के रखी थी, अभी वही दूध को हम बिरयानी के ऊपर डाल देंगे। इसको भी अच्छे से फैला देंगे। अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे। एक तवा को गैस पे रख के गर्म करेंगे और उसके ऊपर पतीले को रख देंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए, और गैस का फ्लेम को जो है हम लो कर देंगे और इसे ढक देंगे। इसे तवा के ऊपर रखने से पतीले में डायरेक्ट फ्लेम नहीं लगेगा, इससे पतीले के नीचे हम जो भेजिस डाले थे वो ओवर कुक नहीं होगा। 20 मिनट हो गया है। अब चलिए देख लेते हैं बिरयानी कितना अच्छे से पक गया है। अब इसे हम प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं।
बिरयानी को पूरा मत मिलाइएगा, इसे बस चम्मच के हेल्प से एक कोने से ही निकालिएगा, तो इससे जो इसका कलर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसका कलर देखिए फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।